I have noticed that Prime Minister Modi has intervened on a positive note in the Ukraine crisis. उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबल पीस अवार्ड के लिए. आपको इस बात की इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था. And I'm very obviously very happy to see that. I think any responsible leader in the world should give this message, and it's all the more important when it comes from a powerful country like India. पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर का वक्त हुआ चाहता है. हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस. आप कहते हैं वो टेररिस्ट है, आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है. अगर वो दुश्मन होता दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना. और मेरी दुआएं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है. उनकी पब्लिक एक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं. किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं. मैं पीछे नहीं जाता, चले 2002 से ले लेते हैं. और हमारा एक हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, तुर्की से मांगने जाता है हर वक्त पैसे, कभी किधर से मांगने जाता है कभी किधर से. और मोदी को देखो, तुर्की के मुसलमानों के लिए रोता है और उनके लिए दुआएं कर. मेड इन इंडिया मोदी ने वो पूरा करवाया. एमी तो नहीं नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई, उसे एमी तो नहीं मिल रहे. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के एतबार से उल्टी गंगा बह रही है. बिलीव करें, मैंने इसको जब देखा ना, मैं तो सोच नहीं रहा था ये हिंदू लीडर जो है, ठीक है, एक हिंदुओं का लीडर है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत रखता है, इतनी कदर करता है, और वो उनके लिए रो भी रहा. देखिए जरा, ये बहुत ही अच्छी चीज है. मैं हमेशा कहता हूँ देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्टकोट, और अंदर से बब्बर शेर जीनियस माइंड. वन शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द प्राइमरी पावर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. नेशन को लेकर जो चल रहे हैं पॉलिसीज को लेकर, जिन अगर बात की जाए जिनकी आपको पॉलिसीज पसंद है, उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबल पीस अवार्ड के लिए. आपको इस बात की इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आप लोगों से ही पता चला है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोग इतना यूज नहीं करते, और ये ज्यादातर खबर इंडियन मीडिया पे चली होगी जो हमें देखना ही नसीब नहीं होता. तो कैसा फील है कि मतलब क्या आप समझते हैं कि जो बात आप करते हैं कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सी एफर्ट की है, पॉलिसीज बेहतर की है, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आज वो दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये बंदा नोबेल पीस अवार्ड का हकदार है, यानी आपकी बात अब सच्ची साबित हो? मैं देखिए, मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन. तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से. जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है. पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा. और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं. तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के, लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया. अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया गद्दार, और आबिद पाकिस्तानी आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है, जो मोदी साहब की तारीफ करते हैं लोग सारे गद्दार कहते हैं. अच्छा, इधर एक और चीज है, मैं अगर लेट्स सपोज कोई तारीफ कर दूं किसी की, तो कहा यह जाता है या समझ लोग समझ सकते हैं, लोगों का हक है कि यार व्यूअरशिप के लिए, व्यूज के लिए, आप किस चक्कर में तारीफ करते हैं मुझे ये बताओ? आप मेरे से पैसे लेते हैं या आपका कोई और सिस्टम है या आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात. मैं तो करूं, मैं तारीफ करूं किसी का, ये ब्लेम करना बनता है कि भाई ये तो व्यूअरशिप के लिए, लोगों को, इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है, आप किस लिए? इस चीज का जवाब मैं बड़े सिंपल लफ्जों में देता हूँ आपको. देखिए, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन अब आप हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं, ये अनाउंस करते हैं. मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ, और जो ऑडियंस मुझे देखते हैं ना, यकीन करें दिल की गहराइयों से इन्हें पसंद करता हूँ, इनके मैसेज सुनता हूँ, इनके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़े शौक से मैं पढ़ता हूँ इनके मैसेज. अच्छा, बात टॉपिक पे आते हैं हम लोग. मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया उसे. तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है. अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे, कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग. आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद. एयरपोर्ट पे रोके तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं, तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता. अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है. अच्छा, मुझे एक चीज और है, मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है. पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पानी से भी नवाजा है, पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़ भी दिए, कबायली इलाके भी हैं, इधर सोना भी निकलता है, मतलब निकल सकता है अगर निकालना चाहे तो. मैं कश्मीर गया था, वहां के लोगों का ये गिला था कि भाई यहाँ से चाइनीज आके प्रोजेक्ट करते हैं, वहां से सोना या जो भी वहां से चीजें निकलती हैं वो निकाल के ले जाते हैं, तो पाकिस्तानी कश्मीर का सिर्फ नारा ही लगाता करता कुछ. चाइना के ऊपर ना बड़ी तसल्ली से बात करूंगा कभी आपसे, उसकी मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा. तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अच्छा दोस्त होता है ना, वो अपने दोस्त को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने दोस्त को मोहताज नहीं करता कि हमारी हर चीज चाइना, ये शर्ट लोगे वो भी चाइना, आपका माइक भी चाइना, मतलब इच एंड एवरीथिंग हर चीज चाइना. उसने हमें किस तरफ लगा दिया है? उसे चाहिए था कि पाकिस्तान, अगर हम उसके दोस्त हैं ना, हमें स्ट्रॉन्ग करता,
हम अपना बनाते, हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है। अब मैं मादनियात की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अल्लाह की दी हुई दुनिया की हर चीज है, वही चीजें इंडिया में है, वही जमीन इंडिया में है। इंडिया दुनिया में ग्रो करता है, तरक्की करता है, पूरी दुनिया में उसका नाम पहचाना जाता है। आप पूरी दुनिया में जिलेलो ख्वार क्यों होते हो, क्यों आपकी नीयत में फतूर है? आपने उल्टी गंगा का जिक्र किया था, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के एतबार से उल्टी गंगा बह रही है। दुनिया भर में तेल की और पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहद ब्लेस्ड कंट्री है जहां पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको ये पता नहीं होता कि आप सुबह सो के उठेंगे तो एक नया ऐलान मजीद कीमतें बढ़ाने का।